मोहतरमा ताहिरा औरंगजेब साहबा, अगला सवाल। जी, सवाल नंबर क्वेश्चन नंबर 176। जवाब पड़ा हुआ है, समझा जाए। जी जो जी, बड़ा डिटेल में जवाब मिला है। मुझे ये पूछना है कि ये जो दरख्त लगाए जाते हैं, एक दफा तो गिनती पूरी हो गई, इतने दरख्त लग गए जो गिनती यहाँ बता दी, फिर उन दरख्तों की देखभाल के लिए जब मौसमियाती तब्दीली आती है, सख्त सर्दी आती है या सख्त गर्मी आती है, तो इनकी हिफाजत के लिए क्या इकदाम किए जाते हैं? क्या कोई ऐसा मैकेनिज्म है कि इन असरात के बाद भी उनकी गिनती करें तो उतने ही हो और फलदार दरख्त लगाए जाएं या सायादार, ताकि उसके साय में लोग बैठ सकें और बैठ के फल भी खा सकें? थैंक यू। जी जनाब मोहतरमा जरताज गुल साहबा। जी शुक्रिया जनाब डिप्टी स्पीकर। जो मोहतरमा ताहिरा औरंगजेब साहब ने जो सवाल किया है, जो स्पेशली ये कह रही हैं कि बाद में जब क्लाइमेट चेंज में कोई तब्दीली आती है तो उस वक्त फिर क्या मैकेनिज्म है, मैं सिर्फ इनको ये बात बता दूं कि ये चूंकि ये जो डेटा ये हम सारा प्रोविंशियल जो जो हमने इनको एरियाज बताए हुए हैं डिटेल में जो रिटर्न में, तो उनसे हम ये प्रोविंशियल अथॉरिटी कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट है और ये जो DFO होते हैं जिसको डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर कहते हैं, उनके पास ये सारा उनको पता होता है और वो गिनती भी करते हैं और उनको पता है कि किस किस इलाके में उन्होंने कितने दरख्त उगाए हैं, और जब बाद में उनकी ग्रोथ भी मॉनिटर की जाती है 3-4 साल तक, तो आप उसको 3 tiers में फिर देख सकते हैं। और अगर मजीद भी इनको चाहिए कि फिर हम इनको काउंटिंग करके बताएं तो ये अगर फिर और सप्लीमेंट्री क्वेश्चन कर देंगे तो बता देंगे, लेकिन फिलहाल यही है कि जो हमारे पास DFOs होते हैं डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर, वो हमें डेटा देते हैं कि हमने कहाँ पे कितने दरख्त लगाएंगे और उसकी कितनी गिनती होनी है। जी जनाब सैयद इमरान अहमद शाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू मिस्टर स्पीकर। मुझे ऑनरेबल मिनिस्टर साहबा से पूछना है कि ये 47 मिलियन पौधे लगाने पे कॉस्ट कितनी आई है और इनमें फलदार भी पौधे हैं क्या? बहुत शुक्रिया। जी मोहतरमा जरताज गुल। स्पेसिफिकली जो ये कॉस्ट की बात करें, मैं इनको ये बात बता दूं कि ये चूंकि हम लोग जो प्लानिंग कर रहे थे और जो किए हम लोगों ने KPK में भी, उसमें हमने 1 साल प्लानिंग की थी और बाद में हम लोगों ने पूरे KPK के अंदर बिलियन ट्री सुनामी का मंसूबा बनाया था, जिसमें जो फेडरेशन है वो 50% देती है और जो प्रोविंसेस है 50% वो देते हैं। तो हमारे साथ जो ये जितने भी हम लोग, चाहे ग्रीन पाकिस्तान है चाहे क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान है, उसके साथ हमारे पास सारे प्रोविंसेस और जितने भी सेक्टर है वो ऑन बोर्ड है और वो हमारे साथ काम कर रहे हैं। लेकिन इसमें हम लोकल भी जितने भी एक्टिविटीज हैं और जो हमारे पास जो NGOs हैं उनको भी हम लोगों ने इसके अंदर इन्वॉल्व किया हुआ है और खवातीन को भी इन्वॉल्व किया है, जो लोकल नर्सरीज उगाती हैं उनसे भी हम लोग खरीदते हैं। थैंक यू। जी मोहतरमा शाजिया मरी साहबा। उन्होंने बता दिया है जो उनके इलम में था। बहुत शुक्रिया जी। स्पीकर साहब, एक तो जो जवाब है उसके अंदर फेडरली एडमिनिस्टर्ड ट्राइबल एरियाज लिखा हुआ है, सो मेरा ख्याल है कि अब तो KP में आता है ये फाटा का एरिया अगर है तो उसके अंदर वो अलग से लिखा हुआ है, अब तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी तो आ चुकी है तो सर ये एक्चुअली इसको करेक्ट कर लें। अच्छा सर, सवाल जो है क्योंकि क्लाइमेट चेंज के हवाले से है और क्लाइमेट चेंज का अगर हम अंदाजा पाकिस्तान के अंदर लगाएं तो पाकिस्तान गो के एक बड़ी टाइनी कंट्रीब्यूशन करता है जो ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस इमिशंस हैं, लेकिन हमारी जो वल्नरेबिलिटी है क्लाइमेट चेंज इफेक्ट के हवाले से वो बहुत ज्यादा है, तो ये ट्रीज एक अच्छा कदम है जो लगाए गए हैं। मगर सर असेंबली में हम बहुत पेपर यूज करते हैं, असेंबली में अगर तखमीना लगाया जाए तो हम तकरीबन एक हफ्ते में 2,40,000 पेजेस यूज करते हैं जिसके लिए हम हफ्ते में 3 दरख्त काटते हैं, तो ये एक तखमीना है, इससे ज्यादा भी हो सकता है। तो क्या क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री असेंबली के साथ कोई ऐसी कोऑर्डिनेशन करेगी कि कम से कम एक एग्जाम्पल इस असेंबली में सेट किया जाए कि हम पेपर का कम इस्तेमाल करें,
इस टेक्नोलॉजिकल एज के अंदर 21वीं सदी में हम जहाँ इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं सर, इस हॉल में भी ओपन वाईफाई नहीं है जी, हाँ जी। तो हर चीज हमें बड़ी दिक्कत होती है, बाहर जाते हैं रिसर्च करते हैं, तो एक तो इसके लिए कोई कदम उठाया गया है। और सर अभी कल ही की बात है या परसों की कि केपी का जो बिलियन सुनामी ट्री प्रोजेक्ट है उसमें बहुत बड़े इंकशाफात हुए हैं, ऑडिट आई है, तो उसकी कोई देखा जा रहा है आपकी तरफ से? बिकॉज पाकिस्तान का इमेज जो है फिर इस हिसाब से इफेक्ट होता है, तो इसमें क्या क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री ने स्टेप लिया है उस रिपोर्ट के बाद? शुक्रिया जी, तशरीफ रखें जी। मोहतरमा जरताज गुल जी, जनाबी डिप्टी स्पीकर, जो शाजिया मरी साहिबा ने जो सजेशन दी है वो बहुत जबरदस्त है। इनफैक्ट जो इनका ये जो बिल आया है वो मेरे पास आया था और मैंने उसको पर कोई बहुत सारे स्टार लगा के उसको कहा है कि इसको हम फुली सपोर्ट करेंगे, इंडोर्स करेंगे जो इन्होंने सजेशन दी है। तो हो चुका है, एक मिनट उनको पूरा जवाब देने दें, ये एक दफा उनको पूरा जवाब देने दें। आप इस तरह तो फिर सारे आप और यही बोलती रहेंगी, पूरा हाल और भी बैठे हैं लोगों ने, आप प्लीज औरों को भी मौका दें, आपका वो दे चुके हैं, आप पूरा बताएं जी अपना। नहीं, वैसे तो जनाबी डिप्टी स्पीकर मेरा दिल तो यही करता है कि शाजिया मरी बोले और मैं जवाब दूं, क्योंकि मैं वुमेन एम्पावरमेंट पे बिलीव करती हूँ। तो उन्होंने जो मैंने इनके बिल को भी सारा इंडोर्स किया है, जहां तक इन्होंने आप जवाब की तरफ आए प्लीज, जवाब जी, दें जी, जी। और हम लोग ऑलरेडी ग्रीन पाकिस्तान की तरफ जा रहे हैं, जवाब के बाद आपको दे रहा हूँ जी। आप जी जनाब फोकस हो अपने जवाब की जी तरफ। जी जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, हम ऑलरेडी ही जा रहे हैं ग्रीन पाकिस्तान की तरफ, और चूंकि वाकई ये टेक्नोलॉजी का दौर है और जितना कम से कम हम पेपर को इस्तेमाल करें, उसकी वजह भी ये है कि जारी बात है इसके अंदर टिम्बर माफिया और ट्रीज की कटिंग, ये सारी डिफोरेस्टेशन शामिल है। तो हम लोग तो खुद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का ये विजन है कि हम लोगों ने क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान और ग्रीन पाकिस्तान का जो विजन है उसमें हमने इसके ऊपर काबू पाना है। जहां तक इन्होंने बात की है कि ये ऑडिट की बात बता रही हैं, मैं समझती हूं कि पाकिस्तान के अंदर सिर्फ और सिर्फ जो बिलियन ट्री सुनामी था केपीके के अंदर, वही एक ऐसा प्रोजेक्ट था, क्योंकि दरख्त नजर आते हैं सामने पता चलता है, बॉन चैलेंज को भी उसके अंदर जो है उन्होंने इसको जो है वो सर्टिफाइड किया है कि ये सबसे बेस्ट प्रोजेक्ट पाकिस्तान का, और उसी को हम पूरे केपीके का जो ये इसको हम पूरे पाकिस्तान के अंदर रेप्लिकेट करेंगे। एंड इंशाल्लाह यू विल सी कि इसके अंदर जो है कोई ऐसी ऑडिट के अंदर, ऑडिट के लिए तैयार है लेकिन कोई ऐसी इसमें वो नहीं आएगी। मैकेनिज्म बहुत जबरदस्त है इसका, 3 लेयर्स के अंदर हम इसके अंदर जो है वो इसको देखेंगे। सबसे पहले जो हमारी प्रोविंसेस हैं, हमारी प्रोविंसेस खुद इसको जो है वो देखेंगी कि इसके अंदर कोई जो है वो ऑडिट का मसला ना हो। थैंक यू जी। जनाब मौलाना चित्राली साहब। जनाब स्पीकर, ये हर पार्टी को भी नुमाइंदगी देनी है जनाब, आप भी करते हैं जी। जी चित्राली साहब, इस तरह नहीं कर रहे, नहीं क्या कर रहे? क्या सवाल है आपका? सवाल ये जनाब स्पीकर, ये पौधों की हिफाजत के लिए आरजी तौर पर निगाहबान के नाम से लोगों को रखे हैं, और मेरे हलके में चित्राल में हकीकत यह है कि नीचे दरियाब से लोग ऊपर पानी लेके इन पौधों को सरियाब करते ठीक है, लेकिन नहीं नहीं उसमें सवाल है जी। सवाल ये है कि तकरीबन 9 महीने से उन लोगों को अदायगियां नहीं हुई, तनख्वाहें उनको नहीं मिली हैं, और वो लोग तकरीबन 3-4 दफा धरने पे बैठे हुए हैं, धरने दिए हैं और मुतालबात करते रहे हैं, लेकिन उनको अभी तक अदायगियां नहीं हुई। तो मैं आपकी वसातत से मुहतरमा साहिबा को ये बताना चाहता हूँ कि क्या वो इस सिलसिले में क्या इकदाम उठा रही हैं। जी मोहतरमा जरताज गुल साहबा। जी जनाबी डिप्टी स्पीकर साहब, एमएनए जो है चित्राली साहब ने जो बताया है कि नेगेबान के नाम से वॉलंटियर्स होने चाहिए, ऑलरेडी हमने ग्रीन वॉलंटियर्स जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट की सतह पे, तहसील की सतह पे, कॉलेज की सतह पे ऑलरेडी हमारे साथ जो है ग्रीन वॉलंटियर्स काम करें, और मैकेनिज्म इसीलिए है कि वो खुद पौधे की हिफाजत कर सके, क्योंकि पौधा लगाना आसान है लेकिन उसकी हिफाजत करना 4-5 साल तक जब उसको जरूरत होती है वो सबसे ज्यादा अहम है। जहां तक इन्होंने बात की है कि उनको तनख्वाही नहीं मिली 9 महीने से,
तो वैसे ये डिवोल्यूशन ऑफ पावर्स के बाद, एटीनामेंट के बाद, चूंकि ये सूबाई सब्जेक्ट चला गया है, लेकिन फिर भी मैं मौलाना साहब जो है मैं उनको डिटेल बता दूंगी कि किस सूबे ने अगर कहां पे कोई कोताही की तो हम जरूर उनको ऑन बोर्ड करेंगे और उनसे पूछेंगे। थैंक यू जी। राव अजमल खान साहब। बहुत शुक्रिया जनाब डिप्टी स्पीकर। मैं ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से गुजारिश करूंगा कि वाटर कंजर्वेशन का बहुत जोर दिया जा रहा है, तो एक पौधा है, दरख्त है जिसे हम पॉपुलर कहते हैं, वो सबसे ज्यादा जमीन से पानी खींचता है और 15 गैलन डेली पे वो पानी खींचता है, उसकी पाबंदी लगनी चाहिए ताकि हमारी जो जमीनें हैं वो गैर आबाद ना हो जाएं। जी मोहतरमा जरताज गुल साहबा। जी ये भी इनकी सजेशन बिल्कुल ठीक है, हम इस तरह के जो प्लांट्स हैं जो पानी को सक कर लेते हैं ये हम वहां पे यूज करें जहां पे बहुत ज्यादा सेलिनिटी और वाटर लॉगिंग होती है, हम वहां पे इस्तेमाल कर रहे हैं, वैसे हम नहीं इसको इस्तेमाल करें, और जहां पे पहले से हो भी गए हैं तो उनका भी हम ख्याल कर रहे हैं। शुक्रिया। अभी दूसरे सवाल की तरफ।